वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट लीजेंड्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, आज हम लोग हाउ टू सेलेक्ट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन फॉर मेगा ग्रैंड लीग। दोस्तों, टीम हम लोग सब बनाते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन सब कोई चेंज करता है, टीम अच्छी भी होती है, लेकिन क्या है ना कि आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम टीम का मेंबर होते हुए भी वो क्या है ना कि रैंक वन ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक नहीं ला पाती है। तो इसी बात को, इसी टॉपिक को देखते हुए हम लोग इतना एनालिसिस करते हुए कर करके आज हम लोग ने क्या सीखा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है टीम में वो होती है कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन। हाउ टू सेलेक्ट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन फॉर मेगा ग्रैंड लीग, आज का यही टॉपिक है दोस्तों, और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, इसलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें और देख करके ही आप सीखोगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे लेना है। दूसरी बात कि किस टाइम कैप्टन को किस टीम से लेना है और वाइस कैप्टन को किस टाइम से लेना है, ये सब बातें आज हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि प्लेयर्स का क्या रोल होता है, ऑलराउंडर सेक्शन में कैप्टन को चूज करना है या फिर बॉलर सेक्शन में या फिर बैट्समैन को लेना है। तो दोस्तों, ये सब चीजें आप जानोगे तभी आप पूरा लॉजिक को देखोगे तभी आप इसका सिलेक्शन सही से ले सकते हो। तो हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास तीन केसेस है, केस वन है, केस टू है और केस थर्ड है। हम लोग सबसे पहले आते हैं केस वन में। दोस्तों, केस वन हमारा क्या है कि मान के चलिए कि दो टीमें तो खेलती है ना मैच, दो टीम है, एक मान के चलिए पहला टीम इंडिया, दूसरा टीम हमारा बांग्लादेश। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मैं केस फर्स्ट का जो बात कर रहा हूं यहाँ पर आपको गौर करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला मैंने क्या लिखा है, इंडिया लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, दूसरा टीम मैंने बांग्लादेश लिखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने इंडिया और बांग्लादेश को लिखा, इसका मतलब यह है कि मैं केस वन में आज पहले वो टीम को लूंगा जो एक टीम स्ट्रांग होगी और दूसरी टीम वीक होगी। जैसे मैं यहां से लेता हूं इंडिया, इंडिया को मैं स्ट्रांग मानता हूं और यहां से बांग्लादेश मुझे वीक नजर आती है। दोस्तों, इंडिया हमारा स्ट्रॉन्ग टीम है और बांग्लादेश वीक है। अब क्या है ना, ये दोनों टीमें मान के चलिए कि खेल रही है, तो यहां से क्या है कि सबसे आसान है यहां से हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन, और सबसे इजी होता है जब दो टीमें, एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक वीक टीम जब खेलती है तो सबसे इजी होता है उस टीम में हमें मेगा ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक लाने का। वो कैसे होता है यहां देखेंगे, लॉजिक क्या है हमारा केस वन में। केस वन में जैसे इंडिया की टीम और बांग्लादेश की टीम खेल रही है, मान के चलो कि इंडिया का जो टीम है इनका बॉलर तो स्ट्रांग होगा बांग्लादेश से, फिर बांग्लादेश का जो बॉलर है इंडिया टीम के सामने थोड़ा क्या होगा, वीक होगा। तो उसी को देखते हुए हम लोग जैसे मान के चलिए यहां से इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलिंग किए, ठीक है, इंडिया मान के चलो यहां से बॉलिंग की, तो मैं यहां से कैप्टेंसी और यहां वाइस कैप्टेंसी मैं किसको रखूंगा, बॉलर सेक्शन से रखूंगा बॉलर। अगर इंडिया टीम पहले बॉलिंग करती है तो मैं कैप्टेंसी किसको दूंगा, बॉलर्स को दूंगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन मैं बॉलर्स को दूंगा। देखिए वो कैसे, वो क्यों दूंगा, वो देखना है। जैसे यहां से बांग्लादेश की टीम क्या करती है कि पहले बैटिंग आती है, तो बांग्लादेश की टीम कितने रन बनाती है, मान के चलो बांग्लादेश की टीम पहले अगर बैटिंग की तो बांग्लादेश ने बनाए फर्स्ट बैट, बांग्लादेश की टीम अगर पहले बैटिंग आती है तो इन्होंने मान के चलो 140 रन बनाए। ओके दोस्तों, 140 रन बनाए। अब क्या है कि 140 पे इन्होंने 10 विकेट को लॉस कर दिया। अक्सर देखा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग टीम के बॉलर होते हैं वो वीक टीम के बैट्समैन पर हावी होते हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने क्या किया कि 140 पे मान के चलो बांग्लादेश 10 विकेट अपना खो दिया, यानी इंडिया के जो बॉलर थे उन्होंने पूरे के पूरे 10 विकेट गिरा दिए बांग्लादेश के। तो क्या हुआ ना कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का ज्यादा जो प्रोबेबल होता है, ज्यादा हाई चांस होते हैं कि यहीं से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, अब दूसरा बात यह है कि मान के चलो बांग्लादेश ने 140 रन बनाए 10 विकेट पे, अब यहां पर क्या है कि इंडिया बैटिंग आती है, इंडिया मान के चलो इसको चेस करने आती है, तो इंडिया क्या करेगी ना, टॉप ऑर्डर के दो या तीन बैट्समैन इनको चेस कर लेंगे। क्या करेगी इंडिया, टॉप ऑर्डर बैट्समैन क्या करेगी, इसको चेस कर लेगी।
इंडिया क्या करेगी कि टॉप ऑर्डर के जो दो या तीन प्लेयर है वो क्या करेगी 140 रन को थोड़ा इजी वे में ही चेस कर लेगी, बहुत होगा तो एक से दो विकेट गिर सकता है। तो यहाँ से टोटली क्या पता चला, इंडिया अगर फर्स्ट बॉलिंग लेती है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही है वीक टीम के सामने, तो क्या करना है स्ट्रॉन्ग टीम का पहले बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सिलेक्ट करना है। दूसरी बात यह है कि जब वो स्ट्रॉन्ग टीम चेस करने आएगी तो वो क्या करेगी ना कि टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है वो ही मैक्सिमम रन बना के चले जाएंगे, यानी क्या है ना कि मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है उनको नहीं प्रीफर करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनका टॉप ऑर्डर का बैट्समैन लेके चलना है और मैक्सिमम बॉलर्स को लेके चलना है जब वो स्ट्रॉन्ग टीम पहले बॉलिंग करे तब। अब क्या है ना कि इसको जो है टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ही चेस कर ले, बहुत करेंगे तो एक से दो विकेट गिरने देंगे या गिरेंगे। तो दोस्तों यहां से हमारा क्लियर हो गया कि जब भी कैप्टन केस वन में हमारा क्लियर हो गया कि जब भी कैप्टन और वाइस कैप्टन दे स्ट्रॉन्ग और वीक टीम अगर आए, केस पहला में ही आता है हमारा केस वन में स्ट्रॉन्ग और वीक टीम में जब भी आए कंडीशन, तो उसमें क्या करना है जब स्ट्रॉन्ग टीम पहले बॉलिंग करे तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम बॉलर लेके चलना है वीक टीम के सामने, तो उसमें क्या होगा ना कि वीक टीम का 10 विकेट गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दिख जाएगा। ये था हमारा केस वन। अब दोस्तों मैं आता हूं केस टू पे। हमारा केस टू क्या होगा, जैसे यहां से केस टू में भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है मान के चलो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब यहां से मैं वीक टीम को लूंगा स्कॉटलैंड, वीक। तो यहां से भी देखना है केस टू का क्या कंडीशन है। केस टू में हम लोगों को क्या करना है, जब भी मान के चलो ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड में मैच हो रहा है, तो मान के चलो कि स्कॉटलैंड पहले बैटिंग कर रही है, फर्स्ट बैटिंग, स्कॉटलैंड। अगर स्कॉटलैंड का अगर बैट्समैन पहले बॉलिंग करने के लिए आता है, तो आपको क्या करना है यहां से ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम जो अच्छे गेंदबाज है उनको सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज क्या करना है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम के जो स्ट्रॉन्ग टीम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, उसमें आपको क्या करना है कि मैक्सिमम बॉलर्स को चूज करना है, उसके बाद टॉप ऑर्डर के दो से तीन बैट्समैन लेके चलना है। दोस्तों ये तो कंडीशन फर्स्ट का ही कॉपी है, जैसे फर्स्ट बैटिंग स्कॉटलैंड, ओके। अब मैं यहां से बताऊंगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया यहां से फर्स्ट बैट करने आती है, फर्स्ट बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो मान के चलो यहां से 200, अगर ओडीआई है तो मान के चलो 350 रन बना देती है टोटल। क्या करती है ऑस्ट्रेलिया, 350 रन बनाती है। अब देखो दोस्तों क्या होगा ना कि ऑस्ट्रेलिया का क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग टीम के मैक्सिमम बैट्समैन को फेवर करना है, जैसे टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन से तीन से चार उसको लेनी है, और उसके बाद जो ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे उन्हें प्रीफर करना है। दोस्तों क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रॉन्ग टीम है उसका जो मतलब टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है वो क्या करेंगे ना मैक्सिमम रन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि स्कॉटलैंड का जो है बॉलर्स उतने अच्छे नहीं होंगे, वीक टीम है ऑस्ट्रेलिया के सामने, स्कॉटलैंड काफी वीक टीम है। तो इसी को देखते हुए हम लोग यहां से क्या करेंगे, बैट्समैन सेक्शन से मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन प्रीफर करूंगा। मैं क्या करूंगा कि जो टीम स्ट्रॉन्ग टीम पहले बैटिंग आती है, मैं वहां से पहले कैप्टन और वाइस कैप्टन को प्रीफर करूंगा, क्यों, क्योंकि उनके हाईली चांसेस है क्या कि वो 150-100 मतलब शतक लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम रन बनाने के चांसेस हो जाते हैं वहां से। तो यहां से हमें ज्यादा बेनिफिट कैप्टन और वाइस कैप्टन में यहां से बैट्समैन सेक्शन से होंगे। उसके बाद दोस्तों अब आता है यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम से क्या करना है ना कि ऑलराउंडर सेक्शन को ज्यादा प्रीफर करना है। अब दोस्तों यहां से अब स्कॉटलैंड, ये तो हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया का, अब मैं स्कॉटलैंड पे आता हूँ। स्कॉटलैंड यानी वीक टीम, कोई भी वीक टीम अगर सेकेंड वीक टीम है तो उसने क्या करना है, जैसे स्कॉटलैंड बाद में बैटिंग आएगी तो इसका मतलब है यहां से आपको मैक्सिमम क्या करना है, चूज मैक्सिमम ऑलराउंडर सेक्शन। हमें क्या करनी है, जब भी देखें कोई अगर स्ट्रॉन्ग टीम है और कोई वीक टीम है तो वहां से क्या करना है, मैक्सिमम टाइम वीक टीम से ऑलराउंडर सेक्शन को ज्यादा प्रीफर करना है, वैसे ऑलराउंडर सेक्शन को जो बॉलिंग भी कंप्लीट करे और बैटिंग में भी टॉप ऑर्डर में आए। तो इस टाइप से हम लोगों को केस टू में करना है। अब दोस्तों आता है हमारा केस थर्ड, ये तो हमारा हो गया केस टू, अब आता है केस थर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
स्थल में जब दोनों टीमें वीक होगी तब क्या करना है। ये तो हमारा हो गया एक स्ट्रॉन्ग टीम एक वीक टीम, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। अब अगर दोनों टीम स्ट्रॉन्ग ही है तो क्या करना है, और दोनों टीम अगर वीक ही है तो क्या करना है। जैसे मैं यहां से आता हूं, केस टू में और एक कंडीशन बच जाता है। जैसे मैं यहां से क्या करता हूं, ऑस्ट्रेलिया को लेता हूं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। यहां से दोस्तों क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दोनों टीम स्ट्रांग हो तो क्या करना है, तब क्या करना है वो देखें आप। ऑस्ट्रेलिया का मान के चलिए कि पहले बैटिंग होता है या फिर इंग्लैंड का ही पहले बैटिंग होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम चूज करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से प्लेयर को, वैसे प्लेयर जो कि पूरे कोटे का ओवर भी फेंके और उसके बाद टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करे, उसी को देखते हुए हम लोग टीम को कैप्टन और वाइस कैप्टन देंगे। जैसे मान के चलो इंग्लैंड से हमारा, ऑस्ट्रेलिया से हमारा सैम करन, सॉरी इंग्लैंड से हमारा बेन स्टोक। मान के चलो इंग्लैंड से हमारा क्या है, बेन स्टोक। ओके दोस्तों, अब यहां से ऑस्ट्रेलिया से हमारा ऑलराउंडर सेक्शन मैक्सवेल। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि ये ऐसे ऑलराउंडर है जो कि अपने कोटे के ओवर भी करते हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं, और वो अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। जैसे सैम करन, जैसे सैम करन को आपने देखा होगा कि अपने कोटे के कंप्लीट ओवर भी करते हैं, अच्छी खासी गेंद भी करती है और अच्छी खासी बैटिंग भी हो जाती है। तो मैं क्या बता रहा हूं, जब दोनों टीमें स्ट्रांग हो तो उसमें आपको ज्यादा ज्यादा प्रीफर करना है वो है मैक्सिमम ऑलराउंडर सेक्शन। आपको क्या करना है, यहां से टोटली क्या करना है, टोटली ऑलराउंडर सेक्शन प्रीफर करना है। क्या करना है, टोटल ऑलराउंडर सेक्शन को प्रीफर करना है। तो दोस्तों ये था हमारा केस टू। अब मैं आता हूं केस थर्ड। मैं बता रहा हूं केस टू में क्या करना है, आपको फिर से बता रहा हूं, केस टू में जब दोनों टीमें स्ट्रांग हो तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम टाइम 3-4 से 5 प्लेयर आप या 3 से 4 प्लेयर आप ऑलराउंडर सेक्शन से लें, जो वैसे प्लेयर जो कि अपने कोटे के कंप्लीट ओवर भी करे और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करे, और उन्हीं को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन में दो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनके हाईली चांसेस होते हैं विकेट लेने के भी और बैटिंग अच्छी करने के भी। तो ये था हमारा केस टू। अब आता हूं केस थर्ड में। हमारा केस थर्ड क्या है, ये तो हो गया हमारा केस टू का ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, यानी दोनों स्ट्रॉन्ग टीम। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब केस थर्ड में क्या करना है दोस्तों, केस थर्ड में कंडीशन ये है कि जब दोनों टीमें वीक हो। अब मजा आएगा कि दोनों टीम जब वीक होगी तो हम लोगों को कैसा कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करना है। यहां पर मान के चलो जिम्बाब्वे, और यहां पर मान के चलो आप स्कॉटलैंड। ये दोनों टीमें क्या है, एक तरह से माना जाए तो वीक ही है। अगर देखा जाए दोनों टीम का कंडीशन तो दोनों हमें वीक नजर आती है और एक और टीमों के सामने। तो यहां पर कौन से कंडीशन लगाने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट लगाने हैं जो कि अच्छी कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए प्रीफर करें हम। तो दोस्तों क्या करना है, यहां से सबसे बड़ी बात है कि दोनों टीम वीक है, यानी अगर दोनों में से कोई भी टीम बॉलिंग करती है या कोई भी टीम अगर बैटिंग करती है तो उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसमें सिलेक्शन हमें किसे देना है, सबसे पहली बात कि जिम्बाब्वे अगर बैटिंग करती है, स्कॉटलैंड बैटिंग करती है, तो ज्यादा का फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि दोनों टीम लगभग इक्वल ही है। तो हम लोग को यहां से क्या करना है कि दोनों टीमों के मैक्सिमम चूज टॉप ऑर्डर, मैक्सिमम चूज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और ऑलराउंडर सेक्शन। बात समझ में आई दोस्तों, मैक्सिमम क्या करना है, जब दोनों टीम वीक हो, जब दोनों टीम वीक खेल रही हो तो उसमें हमको कैसा कैप्टन और वाइस कैप्टन लेना है, वैसा कैप्टन वाइस कैप्टन लेना है जो कि मिडिल ऑर्डर में भी अच्छी खासी बैटिंग कर ले और ऑलराउंडर सेक्शन में वो हो और वो टॉप ऑर्डर में भी खेले और बॉलिंग भी कुछ कर ले। ऐसे ऐसे प्लेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, जब दो टीम वीक हो ऐसे ही प्लेयर्स को हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन भी रखेंगे। तो
तो यहाँ से क्या करना है, मैक्सिमम चूज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और ऑलराउंडर सेक्शन। मैं ये चीज यहाँ पर नहीं बोला हूं, मैं बोला हूं कि जब दोनों टीम स्ट्रांग हो वहां से सिर्फ आपको देखना है कि पिच का रिपोर्ट क्या है, पिच का कंडीशन क्या है, मतलब पहले बॉलिंग स्विंग हो रही है या पेसर्स को मदद मिल रही है या स्पिनर्स को मदद मिल रही है, उस टाइप से आपको टीम को कॉम्बिनेट करना है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा सबसे स्ट्रांग पॉइंट, अभी मैं फिर बताऊंगा वो ये है। ये तक केस थर्ड, अब मान के चलो यहाँ पर केस फोर आता है। केस फोर क्या आता है, केस फोर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो किसके लिए है, मेगा ग्रैंड लीग, जो यहाँ चाहते हैं कि हमारा मेगा ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक हो, ये उनके लिए है। उनके लिए क्या है, अब बोल रहे होगे आपकी ये सब बता ही दिए तो वो क्या है, वही तो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के लिए तो ये केस वन केस टू केस थर्ड चल रहा है। लेकिन केस फोर क्या है कि कैप्टन कैप्टन वाइस कैप्टन हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेगा ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन उसे चूज करेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज, उन प्लेयर को चूज करेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 10% से 15% हो या फिर उससे कम भी हो, 10% से 8%, 5%, 6%, उस प्लेयर्स को ज्यादा हम लोग सेलेक्ट करेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए जिनका परसेंटेज सिलेक्शन परसेंटेज कैप्टनसी सिलेक्शन परसेंटेज 10% 15% या 10% से नीचे ही हो। तो उस टाइप से हमें क्या करना है, यहां पर देखना है फॉर मेगा ग्रैंड लीग, मैं लिखता हूं केस फोर फॉर मेगा ग्रैंड लीग। किसे चूज करना है केस फोर में, केस फोर में हमारा हो जाएगा कि दोस्तों केस फोर में हमारा हो जाता है मैक्सिमम सिलेक्शन मैक्सिमम सिलेक्शन प्लेयर्स आर ड्रॉप। मैं यहां से क्या कहूंगा, केस फोर में मैं क्या बता रहा हूं कि वैसे प्लेयर जो 80% से एबव हो, उन प्लेयर्स को आपको क्या करना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, उन प्लेयर्स को आप कुछ प्लेयर्स को 80% से जिनका या 70% से जिनका ज्यादा सिलेक्शन है उसमें से कुछ प्लेयर को आपको ड्रॉप करके चलना है, पहली बात। अब दूसरी बात आती है हमारी, यहाँ पर ये पहला बात हुआ, अब दूसरी बात आती है हमारी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे सिलेक्ट करें मेगा ग्रैंड लीग फॉर मेगा ग्रैंड लीग केस फोर। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, 10% 15% के बीच के प्लेयर्स हम लोग क्या करेंगे, 10% से 15% के बीच का जो प्लेयर्स होगा उसे हम लोग क्या करेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन देंगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप देखोगे कि जब स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही होगी और वीक टीम खेल रही होगी तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली को लेके चले जाएंगे कैप्टेंसी के लिए। अब क्या क्रिकेट और विशेषताओं का खेल है, क्या पता विराट कोहली किसी बॉल में आउट हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि विराट कोहली अगर आउट हो जाता है और आप विराट कोहली को मिस कर दिए हो, ड्रॉप कर रखे हो, उस टीम में नहीं लिए हो और कैप्टेंसी किसी ऐसे प्लेयर्स को दिए हो जो बाद में आकर शतक मार दे, तो आपका रैंक जो है सीधा ऊपर चले जाएगा ग्रैंड मेगा ग्रैंड लीग के लिए, आपकी रैंक करेगी उसमें मेगा ग्रैंड लीग में। तो दोस्तों मैं इसलिए ये पॉइंट बता रहा था कि इस टाइप से आपको 10 से 15% के बीच के जो प्लेयर्स होते हैं उसे आप कोशिश करो कि उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन दो। तो आज का हमारा ये टॉपिक था हाउ टू सिलेक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन फॉर मेगा ग्रैंड लीग।